कृषि उपज मंडी में जय किसान ऋण माफी योजना के तहत किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विदिशा गुलाबगंज और ग्यारसपुर तहसील की 5,423 किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव और अन्य पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। प्रभारी मंत्री ने आम सभा को संबोधित करते हुए किसानों से कहा कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच के कर्जदार किसानों का कर्ज माफ करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इसमें उन किसानों को भी शामिल किया गया है जिनके गुलाबी फॉर्म भरे गए थे। करीब 800 किसान ऐसे हैं जिनके खातों को सुधार कर उन्हें भी योजना में शामिल किया गया है। साथ ही साथ आगामी महीने से प्रति क्विंटल ₹160 बोनस भी कमलनाथ सरकार देने जा रही है। ये जानकारी प्रभारी मंत्री ने अपने भाषणों में दी। इस सम्मेलन के दौरान विदिशा विधायक सहित जिले भर के पूर्व विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों ने भी अपना संबोधन दिया। तारीख निर्धारित हो जाएगी अप्रैल में जो है, निश्चित रूप से ₹160 जो हमारी सरकार का वचन है वो पूरा होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, उन सांसदों को आईना दिखाने का कभी काम करें आप लोग, उन विधायकों को भी आईना दिखाने का काम करें जो 28 सांसद हैं, 105 या 6 वर्तमान में मेरे ख्याल से भाजपा के विधायक हैं, उनकी भी नैतिक जवाबदेही बनती है कि जो मध्यप्रदेश की सरकार का हक मारा जा रहा है, कोई किसी भी विभाग का जो 100% से लेकर हक बनता है वो 60% दिया जा रहा है, वो देने का काम भी सांसद दिलाएँ, विधायक दिलाएँ, जनता उनकी भी है, उनको भी निर्वाचित किया है, मात्र कांग्रेस की जवाबदेही नहीं बनी है, कमलनाथ जी की जवाबदेही नहीं है। साथ ही जो अतिवृष्टि और बाढ़ से पीड़ित किसान अभी भी परेशान हैं, मात्र 1,000 करोड़ रुपये मिला है, उसके बाद ही हमारी सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। 17,000 करोड़ रुपये का आकलन आप लोगों ने सबने अखबारों में भी दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया है। मध्यप्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं है क्या? कितने बार मेमोरेंडम हमारी सरकार के मुखिया ने दिए हैं? सुनिए मेरी बात, ये नौबत तो कभी आना ही नहीं है। कमलनाथ जी वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो है कमलनाथ सरकार। आर्ट इंडिया न्यूज के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए आर्ट इंडिया न्यूज पर और इजाजत दीजिए नहत खान को। नमस्कार।